नमस्कार, मैं दीप्ति बुंदेलखंडी जायका में आज लेकर आई हूँ मॉर्निंग का ऐसा ब्रेकफास्ट जिसमें ढेर सारा आयरन है, कैल्शियम है और साथ ही स्वाद भी बहुत सारा है। तो यहाँ मैंने बहुत सारी सी पालक ली है और पालक को हमें अच्छे से धुलकर साफ़ करके उसकी डंडियाँ हटा देनी है और फिर उसको महीन कट कर लेना है। इस समय गर्मियाँ चल रही हैं तो कुछ ऐसा हो जो पेट में भी आराम दे और बच्चों को स्वाद भी आ जाए, तो कुछ ऐसा ना बना लिया जाए। तो यहाँ पर मैंने आज पालक और प्याज से बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बनाई है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, यूज़फुल हो आपके लिए, आपको ये ब्रेकफास्ट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक शेयर करके कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये मॉर्निंग का नाश्ता कैसा लगा। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये देखिए, पालक में कितना ढेर सारा आयरन होता है, इसको कट करेंगे ना तो हाथों में वो कालापन सा आ जाता है। पालक को मैंने साइड में रखा। अब ले लिया मैंने यहाँ महीन कट किया हुआ प्याज, तो आप इसमें जितनी मर्जी उतना प्याज डाल सकते हैं, बस महीन कट करके डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। साथ में मैंने ढेर सारा हरा धनिया लिया हुआ है, उसको भी धुलकर कट करके इस तरह से ले लिया है। धनिया यहाँ पर हम मिक्स कर देंगे। यहाँ मैंने अच्छे से इन सभी चीज़ों को धुल लिया है क्योंकि सभी में हल्की सी मिट्टी होती है। यहाँ मैंने हरी मिर्ची महीन कट करके ली है। आपके बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, नहीं खा सकते हैं तो मत डालिए। अब डाला जीरा, तो एक चम्मच भरकर मैंने जीरा डाल दिया। साथ में डाली हींग, ये सभी चीज़ें बहुत हेल्दी होती हैं। और अब डाल रही हूँ मैं ये मिर्ची पाउडर, तो एक चम्मच मैंने यहाँ पर मिर्ची पाउडर लिया है। साथ में आधा चम्मच हल्दी पाउडर अच्छे से कलर के लिए। और यहाँ ले लेंगे हम नमक, स्वाद के अनुसार ले लीजिए। अब मैं यहाँ पर मिलाने वाली हूँ बेसन। मैं यहाँ पर पकौड़ी नहीं बना रही हूँ, बस थोड़ा सा बेसन मिक्स कर रही हूँ। आप वीडियो पूरा देखिएगा, हटाकर मत देखिएगा वरना आपको रेसिपी समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ बेसन डालने के बाद अब मैं डाल रही हूँ गेहूँ का आटा, नॉर्मल वही गेहूँ का आटा जिससे हम रोटियाँ बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने गेहूँ का आटा ले लिया। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। उससे पहले यहाँ पर एक सीक्रेट सी चीज़ और मिलाऊँगी, ऑयल। इससे क्या होता है, हमारा ये नाश्ता क्रंची भी रहता है और सॉफ्ट भी रहता है। तो जैसे जो लोग बड़े हैं घर में, बुज़ुर्ग हैं, वो भी इसको बहुत स्वाद से खा सकते हैं और बच्चे भी खा सकते हैं। तो अब नॉर्मल पानी से हमें इसको अच्छे से डो फॉर्म में लेकर आना है। तो इसको मैं मिक्स कर रही हूँ पहले, ताकि मसाले, हल्दी, मिर्ची, हींग वगैरह सब बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए, आटा और बेसन भी अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये सभी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो बराबर का फ्लेवर आएगा हर बाइट में। तो यहाँ नॉर्मल पानी डालकर मैं आटा लगा रही हूँ। इस तरह से ये आटा लगा लिया है मैंने, सॉफ्ट सा, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, मीडियम डो है इसका। इसको हम साइड में रख देंगे। थोड़ा सा पानी लगाकर मैं और इसको चिकना कर रही हूँ कि थोड़ा सा अच्छे से और गूंद लो। और बेफिक्र रहिए, जो हम बनाएंगे वो बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। तो मॉर्निंग का ये टेस्टी सा पालक और आयरन से भरा हुआ प्याज वाला चटपटा सा नाश्ता सेहत के लिए हेल्दी भी और टेस्टी भी। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ऑयल लगा दिया ऊपर से और इसको हम साइड में रख देंगे। इस समय गर्मी है ना, तो हल्की सी पपड़ी जम जाती है आटे वगैरह के ऊपर। अब ले लिया मैंने यहाँ पर तवा और साथ में ले रही हूँ मैं घी। तो अब तक आप समझ गए होंगे, छोटे छोटे से हम यहाँ पर पराठे बनाने वाले हैं। इनको आप रोटी की तरह भी खा सकते हैं। तो ये लीजिए, मैं यहाँ पर मीडियम साइज के पेड़े ले रही हूँ और इनको हथेलियों की सहायता से इस तरह से चिकना करेंगे और बढ़िया से ये छोटे छोटे पराठे मैं यहाँ पर बना रही हूँ। बहुत आसानी से बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस ये चटपटा टेस्टी सा नाश्ता आप गर्मियों में बनाकर हफ्ते में जितनी दिन मर्जी हो उतने दिन खा सकते हैं। ये स्वाद और सेहत से भरा हुआ होता है। तो यहाँ पर मैं घी लगा दूँगी और इनको बढ़िया सा सेक लूँगी। तो ये चाहे जितने करारे सेकें, पर ये जब रख जाते हैं ना, और जब तक आप इसको डाइनिंग टेबल पर ले जाएंगे सभी के लिए, तब तक ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं और ऊपर से क्रंची बने रहते हैं। तो है ना ये बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता जो सभी को पसंद आएगा और बिना झंझट वाला भी है। गर्मियों में ज़्यादा देर झंझट भी नहीं है और फटाफट से बनाकर रेडी कर लेंगे हम ये टेस्टी सा पालक और प्याज का नाश्ता, और वो भी गेहूँ के आटे से। कोई मेहनत नहीं, कोई झंझट नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल से आप इसको लीजिए। फटाफट से यहाँ पर सिककर तैयार हो गए, ये देखिए।
देखने में बढ़िया लग रहा है ना, तो ये जितना बढ़िया देखने में लग रहा है उतना ही टेस्टी और यम्मी खाने में है। तो अगर ये टेस्टी सा ब्रेकफास्ट पसंद आए ना, तो प्लीज़ 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 एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है ना। और जो आपके यहाँ बनता है आप वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आप यही कैसे बनाते हैं पालक और प्याज से। तो ये देखिए खस्ता और करारे से टेस्टी से पराठे बनकर तैयार हो गए हैं, और इनको हम यहाँ पर रायते और टमाटर की चटनी के साथ इंजॉय कर रहे हैं। तो आपको जिसके भी साथ खाना हो आप वैसे खा सकते हैं, चाय कॉफ़ी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं ये टेस्टी सा नाश्ता। तो देखिए गर्मियों में बिना झंझट के कुछ अच्छा सा बनाकर खा लेंगे, जो हेल्दी भी और टेस्टी भी। तो मैंने तो एक एक बाइट ले ली है, और चलिए आप भी फटाफट से बनाकर एक बार ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा ये टेस्टी और यम्मी सा आयरन से भरा हुआ नाश्ता। कुछ ऐसा खाएं और अपने बच्चों को ऐसा खिलाएं जो उनके लिए सेहत से भरा हो। तो यहाँ पर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़